ये 2 मई की घटना है। राजौंद में एक बालाजी ज्वेलर्स की शॉप है जिसमें उसका मालिक राजकुमार व उसका बेटा सुनील के साथ घटना हुई थी। घटना करीब शाम को 5:30 बजे हुई थी, जिसमें 4 बंदे मोटरसाइकिल पर आए थे, जिसमें से सभी ने अपना चेहरा ढका हुआ था और जिसमें से एक ने हेलमेट भी लगा रखा था। चारों ने शॉप पर आके अपने 3 बंदे, एक बंदा बाहर आया, 3 अंदर गए। जाते उन्होंने ज्वेलर से बोला कि भाई आप जितनी भी आपके पास ज्वेलरी है हमारे को दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। जब उन्होंने विरोध किया तो शोर मचाया, तो उन्होंने फायर किया, जिस फायर में ज्वेलर्स का राजकुमार का बेटा सुनील के पेट में गोली लगी थी और राजकुमार के बाएं गाल के नीचे से फायर निकल गया, जो काफ़ी सीरियस हालत में थे, कंडीशन उनकी सीरियस थी, जिनको रेफ़र किया गया कैथल हॉस्पिटल से और वो मोहाली फोर्टिस हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट हैं और राजकुमार अभी ठीक है। तो इस वारदात का जैसे ही पता लगा है, हमारी CIA 1 की टीम और SHO राजौंद और मैं स्वयं और हमारे SP साहब खुद मौके पर पहुँचे थे और डे 1 से ही हमारे SP श्री अभिषेक जोरवाल जी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी दिशा निर्देश पर हमारी CIA 1 की टीम ने जगह जगह रेड की और उस घटना के तुरंत बाद हमें एक लीड मिली थी, जो कि ये चारों मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक फुटेज CCTV फुटेज में हमें मिले और इनका आगे जाके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर हमें एक फ़ोन मिला, एक नंबर हमारे पास आ गया जो हमने डंप वगैरह उठाए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बेस पर हमने इसमें कामयाबी मिली और उसी टेक्निकल बेस टीम पर हमारी साइबर सेल ने इसमें विशेष योगदान रहा है और हमारी CIA 1 की टीम में सब इंस्पेक्टर हमारे रमेश और तरसेम हेड कॉन्स्टेबल और अपने ASI धर्म सिंह की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। जो जैसे हमें लीड मिली तो हमें अलग अलग जगह की लोकेशन मिली इन बंदों की और लोकेशन के हिसाब से हमारी टीम उत्तराखंड और UP में डेरा डाला और वहाँ पर हमारी टीम ने तीन दिन तक जगह जगह रेड की और जिसमें हमारी कामयाबी मिली और ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। जो इसमें 4 बंदे आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें से हम 2 अरेस्ट करने में कामयाब हुए हैं। पहला मुलजिम जो अभी अरेस्ट हुआ है वो सचिन है, जो कि सचिन की काफ़ी वारदात है, जिसको दिल्ली, UP और हरियाणा में वांटेड भी था ये और इसकी वारदात भी ट्रेस हुई है और पहले भी ये जेल में गया है। और दूसरा अभी एक है मुलजिम जो कि रुड़की से है, उसको भी हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। सचिन कहाँ का रहने वाला है? सचिन उत्तराखंड सहारनपुर का रहने वाला है, घाटनपुर इसका गांव है, घाटनपुर गांव है इसका UP सहारनपुर में। और अभी जो है ये रुड़की उत्तराखंड का जाटो बस्ती रुड़की का रहने वाला है। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये हमने इनकी गिरफ्तारी एक लखनौता चौराहा टिटोली उत्तराखंड से सचिन को अरेस्ट किया है, लखनौता चौराहा, और अभी को हमने मेहवड़ ब्रिज रुड़की उत्तराखंड से अरेस्ट किया है। तो किस मकसद से सर? इनका ये लोग पहले 4-5 दिन से हमारे इस कैथल के अलग अलग कस्बों में रैकी कर रहे थे कि हमें ज्वेलर्स की दुकान को ही टारगेट करना है और ये देख रहे थे भी कोई ऐसी शॉप जो मार्केट एरिया से बाहर हो, उसकी इन्होंने देखा भी वहाँ हमें ये कामयाबी मिल सकती है। और ये जो अपने बालाजी ज्वेलर्स की शॉप है, मार्केट से हटके एक तंग गली में इसकी शॉप थी और उसको इन्होंने टारगेट किया है और ये रैकी करते हुए पहले रैकी की है और ये वारदात को अंजाम दिया। हाँ, जैसे इनकी इंटरोगेशन में आया है कि भी इन्होंने अभी तक क्या बोला है कि भी कुछ जैसे हमने डिमांड की भी कुछ दिया जाओ तो हमें एक प्लास्टिक के डब्बे में चांदी की कुछ अंगूठियाँ थी, वो उसने लड़कियाँ सुनील ने इनको पकड़ाई थी और उन्हें जो एक और मुलजिम अभी हमारी पकड़ से बाहर है उसने अपने बैग में डाल ली थी। कैश वगैरह? कैश का इस इंटरोगेशन में नहीं आया कोई भी। तो जो मुलजिम बाहर है क्या नाम है? इसमें एक मुलजिम है जाखोली का मीडा, जो कि पहले भी कई केसों में वांटेड है। मीडा का असल नाम सुनील है और ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये सुनील और सचिन करनाल जेल में इकट्ठे थे, वहाँ से इनकी दोस्ती हुई थी, अभी बेल पर है। और मेन मास्टरमाइंड इसमें अगर देखा जाए तो जाखोली का मीडा है, जो कि इलाका को अच्छे से जानता भी है और इनके साथ, और इसने सुनील मीडा ने ही इनको फ़ोन करके बुलाया था
अपने साथ, और इन्होंने 4-5 दिन यहाँ पे ठहरे भी हैं और ये मिटा नहीं रुका। अभी तक तो ऐसा, ये चारों का गैंग ही है, ये 4 बंदे हैं, इन्होंने अब ये गैंग ही है 4 बंदे। हाँ, पहले की वारदात है और ये अगर पकड़ से अगर ये काबू नहीं आते पकड़ तो ये वारदात और कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, इन दोनों से हमने अभी 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 डिस्क्लोजर में आया है डिमांड हो कि भी हम उन्हें रिकवरी करनी है और रिकवर हो जाएं, क्योंकि इन्होंने बताया कि भी जहाँ पे हम पुलिस रिमांड अप्लाई करेंगे जगह दूर है, क्योंकि ये उत्तराखंड और हम इसको लेके जाएंगे रुड़की में, वहाँ इन्होंने छुपा रखे हैं, तो डिस्क्लोज स्टेटमेंट में आया है और वो रिकवर करेंगे। चारों आरोपी एक ही बाइक में थे और ये क्लियर हो गया था हमें डे वन को ही, क्योंकि फुटेज हमें काफ़ी मिल गई थी और उन फुटेज में भी ये चारों नज़र आ रहे हैं। सर, जिस दिन वारदात हुई बता रहे हैं कि 15-20 मिनट पहले ही दुकान खोल ली गई थी, उन्हें कैसे पता लगा कि आप ही की दुकान खुल रही है? ये साथी थे, उनके परिवार में सब साथी में गए। ये जो डिस्क्लोजर में आया है उसमें तो ये आगे भी 2 दिन पहले ही रेकी कर चुके थे, दुकान को टारगेट कर चुके थे और ये पहले से देख रहे थे, बाकी तो इन्होंने आते ही ज्यादा ऐसा हो गया भी जिस समय ये आए हैं तो दुकान खुली थी।